रोम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनहा फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन रिस्ट्रा के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है। जबकि दोनों अंक बराबर थे, न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि
प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि लीग ग्रुप में। उस तकनीकी कताक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने की तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालु को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगड़ी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक्ट क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल के आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है, मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था। इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है, हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारंकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन रिस्त्र के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया।
जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूहों आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन परोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरां को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालु को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी
कैसीनो में सातवीं अंतर्राष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल चार अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम पांच स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप के डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक्टेड मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके। स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है। हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट रोम फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रिस्त्र के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया।
दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन परोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंड में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है, जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया, क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरां को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथा से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालु को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश
बनाती है। भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है। जापानी शेफ कोई निगड़ी में यू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंग क्रेडिट में पो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मैं यू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या, जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है। हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट रॉम फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रेस्तरां के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि
ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाकदंड में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है, जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया, क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मेयू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है, तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालू को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंग क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई
आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मैं यू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है, मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था। इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है, हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को, एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन रिस्टर के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई ऑफ सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और
पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नामक से बनी बत्तख बनाती है, जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मेयू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालू को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में सातवीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल चार अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतने का और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम पांच स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जैमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक्टेड मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी।
शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फर्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है। हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनहा फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन रिस्ट्रा के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपने पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरा चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक
रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल शेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने की तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालू को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में सातवीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल चार अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम पांच स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगड़ी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक्टेड मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल के आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं। जब तक कि इसे खाना पकाने की
उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके। स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है, हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारंकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रिस्ट्रा के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूहों आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है। जबकि दोनों अंक बराबर थे, न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन
मेई यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पार्क चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि लीग ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालु को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप के डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक्टेड मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है, मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था। इससे पहले कि जज डिश का
स्कोर कर सके। स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है। हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट रोम फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रिस्त्रा के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है। जबकि दोनों अंक बराबर थे, न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन मैं यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को
समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथा से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालु को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंग क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है, मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था। इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है।
कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है, हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट रॉम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रिस्त्र के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपने पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई ऑफ सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है। जबकि दोनों अंक बराबर थे, न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मेयू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया।
एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि लीग ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालू को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतने का और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंग क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है, मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था। इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और सेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है, हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कुक ऑफ
स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन रिस्टर के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई ऑफ सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है। जबकि दोनों अंक बराबर थे, न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन मेयू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरां को छोड़ दे लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं।
पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि लीग ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालू को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतने का और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल के आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या, जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फर्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है। हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोको फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनहा फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारंकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त
अंकल सेवन सेवन रिस्त्र के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मेयू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने की तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालू को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है।
मकाओ में स्टूडियो सिटी केसिनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल चार अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम पांच स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगड़ी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक्ट क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल के आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है। हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारंकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रिस्टर के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया।
दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूहों आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन परोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाकदंड में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नामक से बनी बत्तख बनाती है, जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया, क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है, तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरां को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालु को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में सातवीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल चार अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश
बनाती है। भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है। जापानी शेफ कोई निगरी में यू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप के डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंक्टेड मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मैं यू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या, जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है, हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट रॉम फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रिस्त्रा के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि
ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन परोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और पाक विशेषज्ञ पाक दंड में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नमक से बनी बत्तख बनाती है, जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया, क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मेयू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो स्टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथा से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालु को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतनेगा और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है, क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंग क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई
आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मैं यू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी। शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके। स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है। हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Netflix पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है। कोका फर्स्ट रॉम फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। कहानी दो युवा प्रतिभाशाली शेफ स्काई को एक दक्षिणी शैली की चीनी शेफ और पॉल अनह फ्रांस में प्रशिक्षित एक मिशलिन तारांकित कोरियाई शेफ पर केंद्रित है। दोनों के पास पाक कला की सीढ़ी पर चढ़ने के कारण है। जब स्काई 10 साल का था तो उसके पिता माउंटेन को ने उसे अपने दोस्त अंकल सेवन सेवन रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ के पास छोड़ दिया। जब माउंटेन से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो माउंटेन ने स्काई को बताया कि उसके पास रसोई के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वो उसे केवल तभी वापस लेगा जब वो एक अच्छा रसोईया साबित होगा। हकीकत में माउंटेन ने पिता बनने की बजाय अपनी पाक कला करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और बहाना बनाया कि स्काई नूडल्स का एक अच्छा कटोरा भी नहीं बना सकता। इस वजह से स्काई ने अंकल सेवन के तहत एक महान शेफ बनने के लिए 20 साल का प्रशिक्षण बिताया। दूसरी ओर पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया कि वो एक महान रसोईया बनेगा। उस यात्रा के माध्यम से वो यूरोप में एक बेहद ही सफल शेफ बन गया और उसने हांगकांग स्टेलर में अपना खुद का रेस्तरां चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पॉल और स्काई के बीच टकराव होता है। हांगकांग के एक पुराने इलाके में स्काई अब सेवन में एक प्रशिक्षित शेफ है और वो बहुत प्रशंसित भी है। हालांकि ली प्रबंधन समूह आता है और पुराने क्षेत्र की विभिन्न संपत्तियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसमें पॉल के लिए स्टेलर का विकास भी शामिल है। स्टेलर का खुलना स्काई के लिए खतरा साबित होता है, क्योंकि ये दोनों शेफ बाजार में सर्वोत्तम सामग्री के लिए लड़ते हैं और अपने ग्राहकों को बनाए रखते हैं। स्टेलर का बढ़िया हाउते व्यंजन पड़ोस के लिए आक्रामक संजातना और पारंपरिक चीनी व्यंजनों के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी प्रतिद्वंदिता सर्वश्रेष्ठ मछली की चुनौती से शुरू होती है और
पाक विशेषज्ञ पाक दंडा में एक दूसरे का सामना करने के लिए सहमत हुए। स्काई पारंपरिक नामक से बनी बत्तख बनाती है, जबकि पॉल फ्राई ग्रास शरबत बनाता है, जबकि दोनों अंक बराबर थे। न्यायाधीशों ने पॉल को विजेता घोषित किया क्योंकि उनकी डिश प्रस्तुति स्काई की नरम प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि इस जीत से एक रसोई के रूप में पॉल की क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। अपनी जीत का जश्न मनाते समय ली ग्रुप के प्रबंधक ने पॉल से कहा कि वो उसकी जगह में यू एक रसोईया और प्रेमिका को लाना चाहता है। ये तर्क देते हुए कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में मीडिया पर कहीं अधिक आकर्षक होती है, धोखा दिया गया और भ्रमित होकर पॉल प्रमुख शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यू उसके अंधेरे रहस्य को उजागर करती है। पॉल को कुछ शब्द विशेष रूप से नमकीनपन को चखने में समस्या होती है। क्षतिपूर्ति करने के लिए वो अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग करेगा और दूसरों से उसके स्वाद का परीक्षण करवाएगा। मामले को और भी बर्बाद बनाने के लिए और बदतर करने के लिए प्रबंधक ने घोषणा की कि वो और मेयू रोमांटिक रूप से शामिल है। मेयू ने पॉल को समझाया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और केवल उससे आगे निकलने के लिए उसका साथ दिया। अब जब वो टेलर के कार्यकारी शेफ के रूप में उपाधि ले सकती है तो उसे अब पॉल की आवश्यकता नहीं है। इस बात से नाराज होकर कि उसने सब कुछ खो दिया है, पॉल चला गया। एक कार्यक्रम स्टेडियम में शराब पीते हुए स्काई की अचानक पॉल से मुलाकात हो गई। दोनों अपने अतीत और परेशानियों को सजा करते हैं और एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पाते हैं। दोनों का पाक कला में शीर्ष पर पहुंचने का एक समान लक्ष्य है और उन्होंने टीम बनाने का फैसला किया। सेवन में ली ग्रुप चाहता है कि अंकल सेवन और रेस्तरा को छोड़ दे, लेकिन अंकल सेवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद पॉल और स्काई अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रकट होते हैं। पॉल ने प्रबंधक को याद दिलाया कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वो पाक चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है, ना कि ली ग्रुप में। उस तकनीकी कथक से आश्चर्यचकित होकर ली समूहों ने पाखंडी रूप से पॉल को देशद्रोही कहकर छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि पॉल ने बदला लेने के लिए प्रबंधक को सिर से कुचल दिया। स्काई पॉल को चीनी खाना पकाने के तरीकों के साथ साथ प्रतियोगिता के लिए कुछ नया बनाने में मदद करने के लिए पॉल की सीमित तालू को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मकाओ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में 7वीं अंतरराष्ट्रीय पाक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्काई और पॉल 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी दोनों पाक शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतने का और उसे कुकरी के वर्तमान देवता माउंटेन को का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में उनका सामना एक फ्रांसीसी टीम, भारतीय टीम, एक जापानी शेफ और मेयू से होता है। फ्रांसीसी टीम भुनी हुई स्कैब डिश बनाती है, भारतीय टीम 5 स्वाद वाली कड़ी बनाती है, जापानी शेफ कोई निगरी मेयू बनाती है, जिसका अर्थ है कि प्रबंधक की रिश्वतखोरी के कारण वो अंतिम चरण में है क्योंकि उसने इसमें शामिल होने के लिए नामांकन नहीं कराया था। प्रतियोगिता जेमे हुए फोन के साथ एक सिप की डिश बनाती है और दोनों एक डिस्टिंग क्रेडिट मेपो टोफू बनाते हैं। पॉल ने सामग्री के स्वाद को निर्धारित करने में मदद करने के लिए स्काई की स्वाद की भावना का उपयोग किया और स्काई आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए पॉल की आणविक विज्ञान और पाक कल्याणात्मकता के ज्ञान पर भरोसा करता है। जीत पॉल और स्काई को जाती है। हार में शर्मनाक मेयू खुद को पॉल की आंखों में देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है और अब एक बार फिर पॉल की छाया में रहना पड़ रहा। अंतिम दौर से पहले पॉल बताते हैं कि केवल एक शेफ ही माउंटेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और वो उन्हें एहसास हुआ कि स्काई की माउंटेन को हराने की इच्छा बहुत ही व्यक्तिगत थी।
शुक्र है कि वो अपनी स्थिति के बावजूद यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। पॉल ने स्काई को अपने पिता का सामना करने का मौका दिया। अंतिम प्रतियोगिता में स्काई का सामना अनंत अपने पिता से होता है और न्यायाधीश दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी पकाने की अनुमति देते हैं, जब तक कि इसे खाना पकाने की उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। जब माउंटेन खाना बनाना शुरू करता है तो स्काई अपने विचारों से विचलित हो जाता है कि कैसे सेवन और पड़ोस के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। माउंटेन गुस्से में अपने बेटे के चेहरे पर पानी फेंकता है और मांग करता है कि वो ध्यान केंद्रित करे और उसे कुछ दिखाए। पर्वत शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सुंदर कलात्मक चीनी प्रदर्शन बनाता है। स्काई कुछ अधिक व्यक्तिगत खाना बनाती है। मूल नूडल डिश की व्याख्या जिसे माउंटेन ने स्काई को छोड़ने से पहले इतने साल पहले बनाया था, इससे पहले कि जज डिश का स्कोर कर सके, स्काई नूडल्स का कचोरा माउंटेन को देता है, जो ये याद करके भावुक हो जाता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। शेफ के रूप में अपने कौशल की स्वीकार करते हुए स्काई के मंच से उतारने से पहले माउंटेन अपने बेटे को प्रतिभाशाली कहता है। माउंटेन भावनात्मक रूप से अपने नूडल्स खाना जारी रखता है, लेकिन विजेता स्पष्ट नहीं है। कुछ समय बीत चुका है और शेवन के लोग पड़ोस के लोगों के साथ पुन चोई चीनी नववर्ष की पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिल्म सेवन के कर्मचारियों की घोषणा के साथ समाप्त होता है, हम अब सभी को 2017 की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।